व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले बॉर्डर टू कमिंग सून। सुनने में आ रही है, अब ये अफवाह है क्या है देखते हैं इस वीडियो के अंदर। आज रौनक की वीडियो होगी और भाई अगर ये मूवी आ गई ना तो देख लो गदर टू मूवी के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी अगर ये आ गई तो। तो देखते हैं साथ में, क्योंकि गदर टू ने वैसे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे, बॉक्स ऑफिस हिला रखा है और बॉर्डर की भी अलग ही फैन बेस है। तो करते हैं वीडियो साथ में एंजॉय, देखते हैं क्या कुछ पता लगता है। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। भाई 26 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें उस टाइम के ऑलमोस्ट सारे बड़े एक्टर्स थे। इतनी बड़ी स्टार कास्ट अगर आज के टाइम पर असेंबल करने जाओ तो स्टूडियोज की कुर्सी में जब एक जानी है। सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पूजा भट्ट, तब्बू और राखी गुलजार जैसे स्टार कास्ट से सजी जेपी दत्ता की बॉर्डर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में आती है। अब कल की बात करें तो एक मीडिया एजेंसी ने कल ही खबर छपाई कि गदर 2 के बाद अब सनी पाजी जेपी दत्ता की इसी फिल्म का सीक्वल करने जा रहे हैं। पर सबका सवाल है कैसे। वेल कैसे, वो मेकर्स ने तो प्लान कर लिया है, वीडियो में एंड तक आपको बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक, मैं बउआ बोल रहा हूं, स्क्रीन वाला पे आपका वेलकम है। गदर 2 में हर एक सीट के लिए मारामारी करवाने वाले सनी पाजी को अनुराधा का 25 दिन में पैसा डबल करने वाला फॉर्मूला मिल गया है। उनको पता चल गया है कि उनके आर्सेनल में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसको अगर उन्होंने चलाना शुरू कर दिया तो बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात हो जाएगी। इसी में एक हथियार है बॉर्डर 2, जिसमें उन्होंने ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी का कैरेक्टर प्ले किया था। जी हाँ, ये वही कुलदीप सिंह चांदपुरी जी हैं जिन्होंने 71 के युद्ध में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से पेपर पर 100 बार सॉरी पप्पा लिखवाया था। लौंगे वाला पर हुए पाकिस्तानी अटैक को कैसे हमारी सेना की एक छोटी टुकड़ी ने पहले रोका और वहां से पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टिकवा दिए, ये इस पूरी कहानी का प्लॉट था। हर सोल्जर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को फिल्म कवर करने में 3 घंटे और 7 मिनट का टाइम लगाती है, जो उस टाइम की सबसे लंबी फिल्म हुआ करती थी। फिल्म के अंदर ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए इंडियन आर्मी की हेल्प ली गई थी। ओरिजिनल सोवियत T-55 टैंक्स यूज किए गए थे। रिवर्स इंजीनियरिंग से पाकिस्तानी टैंक्स की रेप्लिकास बनाई गई थी ताकि देखने में सब कुछ ओरिजिनल दिखाई दे। यहां तक कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए इंडियन आर्मी ने हेलीकॉप्टर और कुछ टैंक प्रोवाइड करवाए थे। कहते हैं इस फिल्म का कल्चरल इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि लोगों को BSF की इंपॉर्टेंस का पता चला और उन्होंने फिर रिकॉर्ड भर्तियां भी की थी। पाकिस्तानी सोल्जर से जुड़े एक सीन को लेकर तब के सेंसर बोर्ड से कुछ पंगा भी हुआ था जिसे जेपी दत्ता ने कट करने से साफ मना कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि फिल्म के अंदर रियल लाइफ सोल्जर्स ने एक्स्ट्रास की भरपाई की थी और इसी वजह से इस फिल्म के अंदर एक्स्ट्रास इतने सटीक तरीके से अपनी पोजीशंस चेंज करते नजर आते हैं, प्रोफेशनलिज्म साफ दिखता है। अब इस फिल्म के अंदर इतनी सारी मेहनत थी, लेकिन पॉइंट ये है कि फिल्म जिस टाइम की कहानी है वो पूरी हो चुकी है। अब इस कहानी को कैसे कंटिन्यू करेंगे, वो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि भैया ये फिल्म उसी वॉर के टाइम के एक दूसरे एस्पेक्ट को दिखाएगी जो उस फिल्म में छूट गए थे। भाई सब 3 घंटे के अंदर कुछ चीजें रह भी तो गई होंगी, है कि नहीं, लेकिन ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम ये है कि कैसे उस कहानी को दिखाया जाएगा। गदर की बात दूसरी है, लेकिन बॉर्डर कई सारे रियल लाइफ हीरोज की कहानी है। खबर है कि इसमें न्यू कास्ट को किया जाएगा, सनी देओल को छोड़कर बाकी सारे कास्ट नए होंगे, एक यंग जनरेशन को इसमें लाया जाएगा। मेरी प्रॉब्लम ये है कि क्या वो यंग जनरेशन के अंदर इतना पेशेंस होगा कि मथुरा दास की तरह गड़ियाए जाने के बाद भी ढो न दे, क्योंकि बॉर्डर में हमको अभी भी याद है जिस तरह से पाजी ने मथुरा दास की क्लास लगाई थी, बंदे को बस ढोना नहीं आया है कि नहीं। खैर बात यहां तक पहुंच गई तो इस फिल्म के बारे में काम भी 2-3 सालों से चल रहा था, लेकिन गदर 2 की भारी सक्सेस ने वो फाइनल पुश दे ही दिया है जिसकी मेकर्स को जरूरत थी। अभी एक स्टूडियो ढूंढा जा रहा है जो फाइनली इस फिल्म के प्रोडक्शन में पैसे लगाए और फ्लोर पर फिल्म आए। इसकी कहानी पर अभी भी काम किया जाना बाकी है। फिल्म को सनी देओल, जेपी दत्ता और निधि दत्ता मिलकर बनाएंगे, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्दी होगी। अब बस एक ही डर है इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, क्योंकि गदर 2 की भारी सक्सेस के बावजूद मैं कहूंगा कि फिल्म का एग्जीक्यूशन और बेहतर हो सकता था। अब ये वाला वेंचर तो गदर 2 से भी बड़ा है जिसमें बड़े बड़े स्टार्स को हैंडल करना है। वहां किस हद तक फिल्म को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और क्या 26 साल के लंबे गैप के बाद आ रही ये फिल्म वो फ्रेश अप्रोच के साथ आएगी जो आज की जनरेशन को अट्रैक्ट कर सके, बताइए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इस फिल्म का सब्जेक्ट 50 साल पुराना है। 97 में जब ये फिल्म आई थी उस टाइम 71 की लड़ाई हुए मुश्किल से 25-26 साल हुए होंगे। उसके बाद हमने करगिल का भी वॉर देखा जिसके ऊपर ऑलरेडी कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। ऐसे में ये नया क्या करेंगे, वहीं गानों का स्टैंडर्ड क्या वही रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा है उतना रिस्की भी है। वेल आपको क्या लगता है यंग जनरेशन में से किसको किसको इसमें कास्ट करना चाहिए? हमारे दिमाग में 3 नाम अभी से पक्के हैं, टाइगर श्रॉफ, विक्की कौशल और सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्योंकि इन तीनों ने ही एक सोल्जर का रोल प्ले किया हुआ है। बाकी फिल्म के बारे में कोई नई जानकारी अगर आएगी तो हम आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो दबाएगी। सीरियसली अगर ये मूवी की बातचीत चल रही है और ये प्रोडक्शन में जाएगी और ये बनेगी तो एक बहुत बड़ा फैन बेस लेके आएगी, नो डाउट, क्योंकि बॉर्डर मूवी जब आप सुनते हो ना तो संदेशे आते हैं, बहुत सारे गाने, डायलॉग्स, ये जैसे वो है ये धरती मेरी माँ है, सुनील शेट्टी, मतलब टाइगर श्रॉफ, हम ही अब है तो क्या हम है तुम, भाई वो मूवी की बात ही अलग है। और अगर ये मूवी का सच में सब कुछ सही बैठा और ये मूवी आई तो इतने रिकॉर्ड तोड़ेगी, सच बता रहा हूँ। लेकिन मेन तो ये स्टार कास्ट पे डिपेंड करेगा और
तो इसी में मेरे को लगता है किसी वॉर की स्टोरी पूरी बताएंगे, जैसे वो सही स्टारकास्ट बताई, जैसे उरी में हमने देखा विक्की कौशल को, टाइगर श्रॉफ हो गए, और जैसे वो अभी एक और सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखा था ना उसमें मूवी शेरशाह, अमेजिंग भैया। और मैं तो कहूंगा भैया बननी चाहिए मूवी, ये ऐसी मूवीज की स्टोरीज जो होती है ना वो यूथ को इंस्पायर करती है, देशभक्ति जगाती, देशभक्ति होती है, लेकिन एक वो है ना कि एक टच जो होता है मूवीज का वो अलग ही होता है। जैसे गदर टू में आप देख लो इंडिया पाकिस्तान वाली वो जो बात है हर एक चीज, और ये मूवी आएगी तो देख लेना, खींचेगी ही खींचेगी सिनेमा हॉल तक लोगों को। और जो सनी पाजी का स्टारडम है, जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जो ये प्ले करते हैं स्क्रीन पे, जो दमदार, वो भैया उसकी बराबरी बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अगर ऑडिशन होना तो सारे एक्टर्स को फॉर्म भर देने चाहिए इस मूवी के लिए, कि ये मूवी अगर किसी का करियर भी अगर उठ नहीं पा रहा है ना तो उसका भी उठ जाएगा अगर जो बॉर्डर टू में आ जाएगा तो। आपका अक्षय खन्ना सबसे छोटा होता है। मिलते हो अपने साथ, बाय, टेक केयर।